हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डांडी मार्च के बारे में। सो ये इवेंट हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट सत्याग्रह, इसे सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जब भी हम डांडी का नाम सुनते हैं या डांडी यात्रा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है? महात्मा गांधी जी का नाम आता है। और हमें कुछ ऐसा याद आता है कि कुछ सॉल्ट से रिलेटेड, कुछ नमक से रिलेटेड कुछ था, ठीक है, बट एग्जैक्ट हम भूल गए होते हैं। तो अभी हम उसको रिफ्रेश करेंगे क्योंकि हमने एनसीईआरटी में तो ये सब ऑलरेडी पढ़ा ही होता है। सो डांडी मार्च क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह गांधी जी गए टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, नमक का कानून तोड़ने के लिए। तो कहाँ से कहाँ तक गए? साबरमती आश्रम से चले अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, 12 मार्च 1930 को चले और फिर पहुँचे डांडी। ठीक है, डांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे तट पे, यानी कोस्टल एरिया जो होता है सी शोर पे, वहां पे जाके। अब इनका जाने का मकसद क्या था कि जो नमक से संबंधित जो कानून थे उन्हें तोड़ना था, क्योंकि सॉल्ट लॉ क्या बोलता था कि कोई भी इंसान, मतलब कोई भी इंडियन अपने पर्सनल यूज़ के लिए सॉल्ट नहीं बना सकता है। तो बिना सॉल्ट के खाना आप खुद ही सोचिए कैसा होगा, और ख़रीदने के टाइम इतने पैसे होते भी नहीं थे लोगों के पास, इंडियंस के पास, प्लस सॉल्ट जो है उस टाइम थोड़ा कॉस्टली भी था। तो अब खुद सॉल्ट बनाना ज़्यादा इजी रहता है खरीदने से, तो अब लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी थी सॉल्ट बनाने की। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने डिसीजन लिया कि हमें सॉल्ट लॉ तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला फिर जो है पूरी की पूरी यात्रा हुई। अब तोड़ा कैसे उन्होंने कानून? ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड इनॉगरेटेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आप पानी से सॉल्ट नहीं बना सकते थे, उन्होंने वहां पे बनाया। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब आता है कि इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने इसे कंटिन्यू किया। तमिलनाडु में बात करें तो सी राजगोपालचारी जी ने कंटिन्यू किया। मालाबार में अगर हम बात करें तो के कलप्पन, वो इस मूवमेंट, इस चीज़ को आगे लेके गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा सॉल्ट सत्याग्रह था, इसने अलग अलग एरियाज में अलग अलग फॉर्म्स लिए, मतलब अलग अलग फॉर्म से फेमस हुआ। अब जैसे नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इनके अंडर एक सोसाइटी बनाई गई, एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज करवाई गई, जिसका नाम रखा गया खुदाई खिदमतगार, मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड, और इसके अंडर वो काम करने लगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, कोई खास लंबा टॉपिक था नहीं। सो आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद से जितने भी इवेंट्स हुए हैं, हर एक इवेंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, कोई लेंथी वीडियोज़ हैं नहीं, और बहुत ईजी लैंग्वेज में अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पे कहीं तो स्पेक्ट्रम को भी फॉलो नहीं किया है, क्योंकि स्पेक्ट्रम से पढ़ना फिर बहुत थोड़ा लेंथी हो जाता और काफ़ी डेप्थ में नॉलेज हो जाती, मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो नहीं किया है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी फर्स्ट RTC के बारे में, और वो भी एक छोटी सी वीडियो होने वाली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये तो आपको पता ही है करना क्या है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, वीडियो को करें लाइक, वीडियो को करें शेयर, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।